आप यही बता सकते हैं कि भाई ये दवा आपको खिलाने का निर्णय हुआ है और आपको कोरोना आइवरमेक्टिन एक टैबलेट है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में हम जितने भी BLOs हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि दवाई कैसे देनी है, किन किन को देनी है, किन्हें नहीं देनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आज ये ट्रेनिंग कराई गई हुई है। तो उसी के आइवरमेक्टिन जो है इसको बेसिकली सभी लोगों को इसलिए दिया, घर घर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और ये इसलिए है ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। तो 100% कोरोना का ट्रीटमेंट के उसमें तो नहीं है, बट ये है कि ट्रांसमिशन को फैलने से बचाया जा सके, तो उसके रिगार्डिंग हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अभी जो हम ये डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ये दो ग्रुप्स को एसेंशली करवा रहे हैं, एक है 10 to 15, दूसरा 15+, उससे ऊपर जितने भी एज एल्डरली लोग हैं उनको। तो इन्हें के लिए हम एक एक गोली 3 दिन तक खाना खाने के बाद दिलवा रहे हैं और जो 15 साल से ऊपर हैं उनको एक गोली सुबह एक गोली शाम में खाना खाने के बाद 3 दिन तक उन लोगों को भी ये दिला रहे हैं। और जिन लोगों को दवाई नहीं देनी है वो एक ग्रुप है, जैसे कि प्रेगनेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं और जिनको हिपैटिक डिजीज़ हैं, लिवर की जिनको समस्याएं हैं, तो उन लोगों को ये दवाई नहीं देनी है। बाकी 2 साल से नीचे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं देनी, 2 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उन लोगों को उनके जो पीडियाट्रिशियन हैं या डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई दी जा सकती है। वैसे यहाँ पे BLOs को वो हम दवाई प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ 2 ग्रुप को दे रहे हैं।